हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज से हमारी एक स्पेशल सीरीज शुरू हो रही है हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदू लॉ। इसमें हम हिंदू लॉ के सारे एक्ट्स को स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। और स्टूडेंट्स, ये क्लासेस सिर्फ हरियाणा जुडिशियल सर्विस के लिए ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो उत्तराखंड के लिए या बिहार के लिए या क्लैट के लिए या पंजाब जुडिशियल सर्विस के लिए या फिर राजस्थान में ADJ सर्विस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही हेल्पफुल है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही फ्रूटफुल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यस, बहुत टाइम बाद आज आपसे रूबरू हो रही हूँ, लेकिन अब हर रोज क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी अपने। चलिए शुरू करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का ये एक्ट है। सबसे पहले हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है। तो ये है 25, एक्ट नंबर 25 ऑफ 1955। आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि एक्ट नंबर कैसे डिसाइड किया जाता है। 25 का मतलब ये है कि इस ईयर में इससे पहले 24 एक्ट्स इनैक्ट हो चुके थे। ये है 25th नंबर एक्ट। चूंकि ऐसे क्वेश्चंस प्री एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो आपको एक्ट नंबर पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको एसेंट डेट कि उस एक्ट को कब जो है प्रेसिडेंट ने एसेंट दी वो पता होना चाहिए, प्लस उसकी कमेंसमेंट डेट या जिसे हम बोल सकते हैं कि वो लागू कब से हुआ वो डेट, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी एसेंट डेट जो है वो है 18th of May 1955, और यही इसकी कमेंसमेंट डेट भी है। तो इसकी इनैक्टमेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट दोनों ही डेट एक ही है। तो आपको दो चीज़ें याद नहीं करनी है, एक्ट नंबर 25 इनैक्टमेंट डेट 18th May एंड एनफोर्समेंट डेट या कमेंसमेंट डेट जिसे हम बोलते हैं वो भी 18th May 1955 ही है। अब हम आगे बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि ये जो लॉ है ये किसके लिए है, हिंदुओं के मध्य जो विवाह होते हैं उसके संबंध में इस एक्ट में रूल्स बताए गए हैं या क्या लॉ है वो बताया गया है। विवाह की शर्तें क्या होंगी या जुडिशियल सेपरेशन किस तरीके से होगा या कब होगा, डिवोर्स कब होगा, डिवोर्स अगर होता है तो मेंटेनेंस कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी और समझनी है, हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑल। सबसे पहले जो चीज़ आपको जाननी है वो ये जाननी है कि ये एक्ट लागू कब होगा। ये एक्ट लागू तब होगा जब जिनके मध्य शादी हो रही है वो दोनों ही पार्टीज़ हिंदू है। हिंदुओं के मध्य अगर विवाह हो रहा है, इफ बोथ द पार्टीज आर हिंदू, देन ओनली दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में टोटल 30 सेक्शंस हैं, और इस एक्ट को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 6 चैप्टर्स में से सबसे पहले प्रिलिमिनरी पार्ट इसका आता है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक की सेक्शंस इसमें कवर होती है। थैंक यू कविता जी। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी पार्ट में सेक्शन नंबर 1 से लेकर 4 तक इसमें कवर होती है, जिसमें हम जनरल चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर आते हैं हम मैरिजेस भी। तो मैरिजेस जो है वो 5 से लेकर सेक्शन नंबर 8 तक कवर होने वाले हैं। उसके बाद में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, ये दो चीज़ें सेक्शन नंबर 9 और 10 में हैं। उसके बाद में नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 से लेकर 18 तक। उसके बाद में जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर, वो रहेगा 19 से लेकर 28 तक। एंड द लास्ट पार्ट सेविंग्स एंड रिपील्स, 6th चैप्टर, ये है सेक्शन नंबर 29 और 30। तो इस तरीके से हम इस पूरे 30 सेक्शंस में इस पूरे एक्ट को इन चैप्टर की तरह से पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश रहेगी
आज की पूरी क्लास में इस पूरे एक्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, और ये क्लास बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत ही ईजी सी लैंग्वेज में हम इसको समझने वाले हैं। जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उन पर हम कम ध्यान देने वाले हैं, या हो सकता है कुछ चीज़ों को हम स्किप भी कर दें जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन, किसी भी एक्ट की फर्स्ट सेक्शन हमें बताती है उसका शॉर्ट टाइटल, उसका एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल क्या है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और इसका एक्सटेंट कहाँ है? इट एक्सटेंड्स टू हॉल ऑफ इंडिया। हॉल ऑफ इंडिया पे ये एक्ट लागू है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर कोई व्यक्ति जो इंडिया का डोमिसाइल जिसमें है, जो इंडिया में रह रहा है, भारत में जिसका अधिवास है, अगर वो भारत से बाहर भी जा रहा है तो भी हिंदू लॉ उसके पीछे पीछे जाएगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है, ठीक है? इंडिया में डोमिसाइल है और फिर अगर वो कहीं भी जा रहा है, मान लीजिए अमेरिका जा रहा है, तो भी हिंदू लॉ उसको फॉलो करेगा। अब देखिए, जैसे आपसे मैं बात करूँ, पाकिस्तान में भी हिंदू होंगे, तो दो पाकिस्तानी हैं जो हिंदू हैं वो शादी कर रहे हैं, क्या उन पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा? स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, जल्दी से बताइए कि दो पाकिस्तानी हैं जो हिंदू हैं, दोनों हिंदू हैं, क्या उन पे हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा? दोनों हिंदू हैं, देखिए ये जो हिंदू लॉ है, मोहम्मदन लॉ है, ये सब क्या है? ये पर्सनल लॉज है, है ना? तो हमने यहाँ पे अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44 में, वो लागू नहीं हुआ है। तो हमारे पर्सनल लॉज अलग अलग है, हिंदुओं के अपने पर्सनल लॉज है, अलग रूल्स है मैरिज की रिगार्डिंग, मुस्लिम्स में अलग है। नो, यस, बिल्कुल वहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये जिसका डोमिसाइल इंडिया में है, जो इंडिया में रह रहा है, क्योंकि ये किस पे लागू है? होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर लागू है। और अगर कोई व्यक्ति जो भारत में जिसका अधिवास है बाहर जा रहा है तो उसमें भी लागू है, लेकिन किसी और कंट्री में कोई और हिंदू रह रहा है जिसका डोमिसाइल इंडिया नहीं है, उस पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रॉब्लम बना के आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो हमेशा एक चीज माइंड में रखनी है, डोमिसाइल, अधिवास। अगर आपका अधिवास इंडिया में है देन ओनली ये एक्ट आप पे एप्लीकेबल होगा। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो भी, इंडिया में है तब तो होना ही होना है, इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बना के, प्रॉब्लम बना के आपसे पूछते हैं, तो हमको वो चीज माइंड में रखनी है। कमेंसमेंट डेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 18th ऑफ मई से ये एक्ट लागू हो चुका था। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, कि ये एक्ट जो है वो किस पर लागू होगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि वो व्यक्ति जो हिंदू है बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू है, उन पे ये एक्ट लागू होगा। और उसमें आपको 5 शब्द ध्यान में रखने हैं, वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। ये 5 जो समाज के लोग हैं ये भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मतलब ये भी क्या है, हिंदू है बाय रिलीजन। तो वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये भी क्या है, ये भी हिंदू कहलाएंगे। दूसरा, जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है बाय रिलीजन, जो बौद्ध, जैन और सिख है, BJS, इसको आप शॉर्ट में BJS कह सकते हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ये भी क्या है, ये भी हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, इनको भी हिंदू कहा जाता है। तीसरा, हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में निवास कर रहा है जहां पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है, और वो व्यक्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू नहीं है, यहूदी नहीं है, तो उसे भी हिंदू कहा जाएगा, ठीक है। वेल, देखिए ऐसा कह सकते हैं कि इस एक्ट का वाइड स्कोप है, ये एक्ट जो है उसका वाइड स्कोप है। अगर कोई भी अगर इन धर्म का नहीं है तो उसको भी हम क्या कह देंगे, हिंदू कह देंगे। इसके अलावा अगर कोई भी चाइल्ड है, जिस चाहे वो लेजिटिमेट हो या इनलेजिटिमेट हो, अगर उसके पेरेंट्स दोनों की दोनों हिंदू, बौद्ध या जैन है, या बौद्ध, जैन या सिख है, तो वो चाइल्ड भी क्या होगा, वो चाइल्ड भी हिंदू होगा। और अगर कोई चाइल्ड ऐसा है जिसके पेरेंट में से सिर्फ एक ही ऐसा है जो बौद्ध, जैन या सिख है, एंड वो जो चाइल्ड है वो
ब्रोटअप हुआ है एज बोध जैन या सिख, तो जिस तरीके से उसका ब्रोटअप हुआ है उसके लिहाज से भी उसको हिंदू कहा जाएगा, ठीक है। अगर मुस्लिम की तरह से ब्रोटअप हुआ है तो नहीं कहा जाएगा। अगर हिंदू की तरह से ब्रॉटअप हुआ है, चाहे पेरेंट में से एक ही ऐसा है जो बोध जैन सिख है, तो भी उसको हिंदू कहा जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर वो कन्वर्जन या रिकन्वर्जन से अगर हिंदू बना है तो भी उसको हिंदू कहा जाएगा। कन्वर्जन रिकन्वर्जन वो क्या होता है, एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई मुस्लिम है वो हिंदू धर्म में आ गया है, या कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसमें आ गया है, तो ये क्या है, कन्वर्जन, मतलब वो हिंदू बन गया है। रिकन्वर्जन क्या है, जैसे कोई हिंदू है, कोई हिंदू है राह से भटक गया, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, दूसरा धर्म को अडॉप्ट करने के बाद में उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरा जो हिंदू धर्म है वो फार बेटर है इस धर्म से, ठीक है, और बाद में वापस से वो हिंदू धर्म में आ जाता है तो उसे हम रिकन्वर्जन कहेंगे, तो वो व्यक्ति भी हिंदू कहा जाएगा। तो इन सब पे ही हिंदू लोग गवर्न होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एसटी शेड्यूल ट्राइब, जिसे डिफाइन किया गया है अंडर आर्टिकल 366(20)(25) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो जो है वो हिंदू की डेफिनेशन में नहीं आता है जब तक कि जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से डिसाइड नहीं करती है। तो ये एक्ट एप्लीकेबल किस पे होगा ये भी हम समझ चुके हैं। उसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है डेफिनेशन क्लॉज। आप सभी जानते हैं कि डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस एक्ट की कौन कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट में सबसे पहले जो कस्टम एंड यूसेस बताए गए हैं, रूढ़ी और प्रथा, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड बताया गया है वो इंपॉर्टेंट है, यूट्राइन ब्लड बताया गया है वो इंपॉर्टेंट है, सपिंडास रिलेशनशिप बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिटेड डिग्री बताई गई है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पांच डेफिनेशंस आपको स्पेसिफिकली पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दे रखी है, पर ये पांच जो है इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है रूढ़ी और प्रथा की। रूढ़ी और प्रथा हम किसे बोलेंगे, कस्टम एंड यूसेस किसे बोलेंगे? वेल, कस्टम एंड यूसेस जो होती है उनमें क्या फीचर्स होने चाहिए कि वो लॉ के बराबर जो है वो फोर्स प्राप्त कर लेती है, इसके लिए चाहिए कि वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। रूढ़ी एंड प्रथा कौन से होंगे, रूढ़ी एंड प्रथा होंगे कोई भी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूसली, पहला फीचर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली उसको फॉलो किया जा रहा है यूनिफॉर्मिटी से, ठीक है, वो भी बहुत लंबे टाइम तक। ऐसा करने से क्या होता है, हैज ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ अमंग द हिंदूज, ऐसा करने से वो क्या होता है, हिंदुओं के बीच में उस कस्टम को जो है विधि का बल प्राप्त हो जाता है, मतलब वो इक्विवेलेंट टू लॉ हो जाता है, ठीक है, किसी भी लोकल एरिया में या ट्राइब में या कम्युनिटी में या ग्रुप ऑफ फैमिली में। और एक चीज और होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो निश्चित होनी चाहिए और अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए। तो रूढ़ी और प्रथा क्या है, वो नियम है जो दीर्घ काल तक निरंतर और एकरूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र समुदाय जाति में या कुटुंब के हिंदुओं के बीच में विधि का बल अभिप्राप्त कर लेते हैं। तो ये पहली डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखिए इसको हम समझते हैं, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड। फुल ब्लड हाफ ब्लड ये किसके बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। देखिए जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं सेम पेरेंट्स से अगर दो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो बच्चों का रिलेशन कैसा है, ये फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड उसको बता रहा है, ना कि पेरेंट का बच्चों से रिलेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, पेरेंट का बच्चों से रिलेशन नहीं बल्कि बच्चों का आपस में क्या रिलेशन है। जैसे कि सेम पेरेंट से दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, सेम पेरेंट्स हैं, फादर भी सेम मदर भी सेम, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो फुल ब्लडेड है, एक दूसरे से पूर्ण रक्त से संबंधित है। वही अर्ध रक्त यानी कि हाफ ब्लड किसे बोलेंगे, हाफ ब्लड हम उसे बोलेंगे जहां पे हस्बैंड जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन वाइफ्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, हस्बैंड सेम है डिफरेंट वाइफ है और उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो बच्चे हाफ ब्लड से
एक दूसरे से संबंधित कहे जाएंगे। तो ये फुल ब्लड हाफ ब्लड का कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बच्चे कैसे संबंधित है, फुल ब्लड से या हाफ ब्लड से, वो हम समझ रहे हैं, ना कि पेरेंट का बच्चों से रिलेशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम पढ़ते हैं यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड किसे कहते हैं, जहां पे क्या होता है, मदर सेम है लेकिन फादर या हस्बैंड जिसे हम कहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट है, है ना। एक ही माँ से दो डिफरेंट 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 हस्बैंड से बच्चे उत्पन्न हुए हैं तो वो यूट्राइन ब्लड कहे जाएंगे। दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाएंगे जबकि एक ही पूर्वजा से किंतु भिन्न पतियों द्वारा जनित हो। हस्बैंड डिफरेंट है, वाइफ सेम है, तो उसे हम एकोदर कहेंगे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, अगली डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो है सपिंडा, सपिंड नातेदारी। देखिए यहाँ पे सपिंड नातेदारी और प्रतिष्ठित नातेदारी दो चीज़ें बताई गई, प्रतिष्ठित डिग्री वो बताई गई है। ये क्यों बताई गई है, क्योंकि इनके बीच में हिंदुओं में शादी नहीं होती है। तो सपिंड नातेदारी की हम बात करें तो माता के माध्यम से तो ऊपर की तीन पीढ़ियाँ और फादर के माध्यम से ऊपर की पांच पीढ़ियां, ये सपिंड होते हैं, आपस में एक ही पिंड के होते हैं और इन्हें हम सपिंडास बोलते हैं और इनमें आपस में शादी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम सेक्शन नंबर 5 में जाके आगे पढ़ेंगे कि शर्तें क्या है विवाह की, कि वो सपिंडा नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे इस वर्ड को पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि सपिंड नातेदारी हम कहेंगे किसे। तो माता के माध्यम से तीन पीढ़ियां, पिता के माध्यम से ऊपर की पांच पीढ़ियां, आपस में सपिंड है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियां। देखिए दो व्यक्ति अगर प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं तो उनके बीच भी शादी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन से व्यक्ति जो है वो प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं, तो इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। देखिए वो व्यक्ति अगर उनमें से दूसरे पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, एक क्या है दूसरे से पारंपरिक पूर्व पुरुष है, या क्या है पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा है, तो इनके बीच में क्या है मैरिजेस नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पे इन वर्ड्स को बताया गया है, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि एलएलबी में भी आपका हिंदू लोग है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर फोर हमें ये बताता है कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, विच मीन्स इसका अध्यारोही प्रभाव है। इस एक्ट से जस्ट पहले जो भी इंटरप्रिटेशन रूल्स लागू थे, कस्टम या यूसेस, ठीक है, और उन कस्टम या यूसेस की रिगार्डिंग कोई प्रोविजन इस एक्ट में अगर दे दिया गया है तो इस एक्ट में जो प्रोविजन दिया है उसका ही प्रभाव होगा। इसके अलावा इस एक्ट के कमेंसमेंट से जस्ट पहले कोई भी लॉ है जो इससे इनकंसिस्टेंट है, यानी इससे असंगत है, ये लॉ कुछ और कह रहा है और वो लॉ कुछ और कह रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इस एक्ट का प्रभाव रहेगा। तो बेसिकली ओवरराइडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जहां पे दो प्रोविजन आते हैं जो सेम नहीं है बल्कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक प्रोविजन कुछ और कह रहा है, एक प्रोविजन कुछ और कह रहा है, तो इस एक्ट में क्या लिखा है कि इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, विच मीन्स ये एक्ट प्रिवेल करेगा, इस एक्ट में जो प्रोविजन है वो प्रिवेल करेंगे, ना कि किसी अदर लॉ में कोई और प्रोविजन है वो लागू होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमको समझ में आता है कि ओवरराइडिंग इफेक्ट हम किसे कहेंगे। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यहीं पे पूरा होता है, जो कि प्रिलिमिनरी था, जिसमें हमने कुछ जनरल चीजें अभी देखी है। अब हम आते हैं मैरिजेस पे, हिंदू मैरिजेस। देखिए हिंदू मैरिजेस के लिए सबसे पहले तो क्या जरूरी है, बोथ पार्टीज मस्ट बी हिंदू, देन ओनली हिंदू लॉ विल एप्लीकेबल। अगर दोनों पार्टीज हिंदू नहीं हुई तो हिंदू लॉ एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो हिंदू लॉ एप्लीकेबल कब होगा, जब दोनों पार्टीज क्या है हिंदू है। एक चीज नोट कीजिएगा, इस सेक्शन का टाइटल क्या है, कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज। इसका टाइटल ये नहीं है कि कंडीशन फॉर ए वैलिड हिंदू मैरिज, ठीक है। तो इसका टाइटल क्या है, कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज,
हिंदू विवाह की शर्तें क्या है? तो क्या क्या शर्तें हैं? सबसे पहला ये है, नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज, कि जब आपकी शादी हो रही है तो उस टाइम पे जो पक्षकार है उनका कोई भी जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए। जीवित है तो कैसा होना चाहिए? फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। हम सभी जानते हैं हिंदुओं में सिर्फ एक ही शादी अलाउड है। एक शादी कर ली है, दूसरी शादी करनी है तो पहले आपको डिवोर्स लेना होगा, या फिर अगर लाइफ पार्टनर एक्सपायर हो चुका है देन ओनली आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी जीवित स्पाउस उस टाइम पे नहीं होना चाहिए। जीवित है तो कैसा होना चाहिए? डिवोर्स हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें एट द टाइम ऑफ द मैरिज नीदर पार्टी, जब शादी हो रही है तो दोनों ही पक्षकार कैसे नहीं होने चाहिए? एक पक्षकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंसेंट देने के लिए, अपनी सम्मति देने के लिए, हाँ कहने के लिए क्या हो, इनकैपेबल हो, ठीक है। वो इनकैपेबल है। इनकैपेबल क्यों है कंसेंट देने के लिए? बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस। वो क्या है? विकृत चित्त है। विकृत चित्त होने की वजह से वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं समझ पा रहा है, सो ही इज इनकैपेबल। वो कंसेंट नहीं दे सकता है। अगर वो कंसेंट नहीं दे सकता है तो वो क्या है, विवाह की शर्तें वहां पे पूरी नहीं हो रही है। देखिए आगे चल के हम पढ़ेंगे कि अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो क्या प्रभाव है, ये पूरी नहीं हुई तो क्या प्रभाव है। सभी शर्तों के पूरे ना होने पे सबका प्रभाव अलग अलग है। सबका प्रभाव ये नहीं है कि शादी ही आपकी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। सबका नहीं है, कुछ शर्तों का प्रभाव है कि अगर वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो शादी अवैध ना, लेकिन सबका प्रभाव वो नहीं है। अवैध नहीं, शून्य कहेंगे हम, डिफरेंस है ना, अवैध और शून्य में डिफरेंस है। बी, हालांकि कैपेबल है एक वैलिड कंसेंट देने में, लेकिन वो इस तरीके की मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है कि प्रोक्रिएशन के लिए वो क्या है, इनकैपेबल है। उसके बाद में उसको रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, पागलपन के बार बार दौरे पड़ रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो वो शादी की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा। तीसरी शर्त क्या है, आयु को लेके, एज को लेके। देखिए हम सभी जानते हैं कि एज, विवाह के लिए शादी की उम्र क्या है, सॉरी विवाह के लिए उम्र क्या है, विवाह के लिए वैलिड उम्र है लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष। तो अगर 21 वर्ष 18 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं तो एक बार ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या टाइटल है, विवाह की शर्तें। विवाह है आपका वैलिड है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अगर विवाह के लिए जो एज निर्धारित कर रखी है वो एज पूरी नहीं की है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप पनिशमेंट के लिए दाई होंगे, ठीक है, लेकिन शादी आपकी क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। ये चीज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा। तो द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 इयर्स एंड द ब्राइड द एज ऑफ 18 इयर्स एट द टाइम ऑफ द मैरिज। आयु होनी चाहिए वर की 21 वर्ष, वधु की 18 वर्ष, विवाह की शर्त। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर क्या होना चाहिए, मैंने बताया है आपको, पार्टीज जो है ना वो डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, सिवाय जबकि जब उनके बीच में ऐसी प्रथा है जो उनको परमिट कर रही है। अगर मान लीजिए किसी समुदाय के बीच में ऐसी प्रथा है, वहां पे ऐसी प्रथा है कि सपिंदास आपस में शादी कर सकते हैं, देन तो उनकी मैरिज वैलिड है। अदरवाइज क्या है कि अगर सपिंदास है, सपिंड नातेदारी उनमें है, तो उनकी मैरिज वैलिड नहीं होगी। एंड द लास्ट पांचवी शर्त क्या है, सॉरी पहली वाली क्या है, प्रतिष्ठित नातेदारी में है, और लास्ट क्या है, लास्ट है सपिंदास, अगर वो एक ही पिंड के सदस्य हैं तो वो शादी नहीं कर सकते हैं। तो टोटल पांच शर्तें हैं विवाह की, जिनको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो सबके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 11 एंड 12 में। 11 में हम पढ़ेंगे वॉइडेबल मैरिज एंड 12 में हम पढ़ेंगे वॉइड मैरिज। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, वैलिड मैरिज है, वॉइडेबल मैरिज है एंड वॉइड मैरिज है। वॉइड मैरिज कौन सी होगी, अगर दोनों पक्षकारों में से किसी के हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, यानी अगर आप दूसरा विवाह कर रहे हो पहले के जीते हुए या डिवोर्स लिए बिना, तो उस केस में आपकी जो सेकंड मैरिज है, ये भी ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट मैरिज इज परफेक्टली वैलिड, सेकंड मैरिज जो है वो वॉइड होगी। और अगर आप
प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं या सपिन रिलेशनशिप है तो क्या होगा, तो भी वॉइड होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप को इंसैनिटी के अटैक आ रहे हैं या आप कंसेंट देने के लिए इनकैपेबल है या प्रोक्रिएशन के लिए इनकैपेबल है तो उस केस में आपकी मैरिज वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल होगी, ठीक है। और अगर आपने एज की जो कंडीशन है वो पूरी नहीं की है, अंडर एज आप हैं, तो उस केस में आपकी मैरिज परफेक्टली वैलिड है, सिर्फ पनिशमेंट है जो आपको मिलने वाली है, लेकिन मैरिज इज परफेक्टली वैलिड। तो हमको समझ में आ गया है, सेक्शन नंबर 5 हमें बताता है कि विवाह के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सिक्स को रिपील कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है आजकल प्री का लेवल काफी बढ़ गया है, ये तक पूछ लेते हैं कि कब रिपील किया गया, किस एक्ट से रिपील किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कब और कैसे इसको रिपील किया गया, बट दिस सेक्शन हैज बीन रिपील्ड। सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेरेमनीज की, जो मैरिज के लिए जो भी सेरेमनी है वो पूरी होनी चाहिए, जब तक सेरेमनी पूरी नहीं होगी तब तक शादी पूर्ण नहीं मानी जाती। जैसे इसमें सप्तपदी की बात लिखी गई है कि जब तक 7 स्टेप्स नहीं लिए जाते, हम 7 फेरों की बात करते हैं, बेसिकली 7 फेरे जो है वो हमने फिल्म या टीवी में ही देखे हैं, एक्चुअल में 7 फेरे नहीं 4 ही फेरे होते हैं। तो जो भी कस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो भी सेरेमनीज है वो जब आप पूरी करेंगे वैसे ही आपकी शादी जो है वो पूर्ण मान ली जाएगी सेक्शन नंबर 7 में। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आरजीएस की अगर आप टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज लेना चाहें या आपको आरजीएस प्री का बैच ज्वाइन करना है या आरजीएस फाउंडेशन का बैच ज्वाइन करना है तो ये आप उत्कर्ष ऐप से परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हम आते हैं सेक्शन नंबर 8। दो मैरिज करते हैं तो उस केस में पहली मैरिज वैलिड है, सेकंड मैरिज जो है वो वॉइड होगी। उसके बाद में आते हैं हम सेक्शन नंबर 8 जो बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। देखिए रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी करना या नहीं करना ये डिपेंड करता है ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। हो सकता है किसी स्टेट में कंपलसरी हो सकता है कंपलसरी नहीं हो, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, रजिस्ट्रेशन करवाना या न करवाना आपकी मैरिज की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया तो भी मैरिज क्या है आपकी वैलिड कही जाएगी। तो इसके रिगार्डिंग ये केस है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ये मामला किसको लेके है, रिलेटेड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि किसी भी धर्म के सभी व्यक्तियों के लिए विवाह को उनके संबंधित राज्य में पंजीकृत किया जाए यदि वे भारत के नागरिक है, कि कंपल्सरी किया जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, चाहे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, ये केस ध्यान में रखना है आपको। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, विवाह की प्रत्यास्थापना। वेल ये क्या होता है थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए जब शादी में दो पक्षकार होते हैं वाइफ एंड हस्बैंड, जब वाइफ या हस्बैंड में से किसी ने भी दूसरे को अपनी सोसाइटी से अलग कर लिया है, अपने से खुद से अलग कर दिया है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो जो पार्टी जो पक्षकार जिसको इस तरीके से अलग किया गया है वो कोर्ट में जाके सेक्शन नंबर 9 की एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस पार्टी को बोला जाए कि वो मेरे साथ रहे, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शादी को बचाने का एक तरीका है। सेक्शन नंबर 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, 10 में क्या हो रहा है जुडिशियल सेपरेशन, जिसमें हम शादी को एक तरीके से दूर कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, पार्टीज को अलग कर रहे हैं, जुडिशली सेपरेट कर रहे हैं। और यहां भी हम क्या कर रहे हैं, पार्टीज जो है हस्बैंड एंड वाइफ उनको हम पास ला रहे हैं। तो व्हेन ईदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल कॉज के क्या कर दिया, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, देखिए यहाँ पे सोसाइटी का मतलब समाज से नहीं है, ठीक है, ऑफ द अदर द एग्रीड पार्टी। यहाँ पे एग्रीड पार्टी कौन है, एग्रीड पार्टी वो व्यक्ति है जिससे उसको अलग कर दिया गया है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, बाई पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि
हिंदू लॉ के रिगार्डिंग कोई भी मैटर आपको लेके जाना है तो उसके लिए फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में आपको मैटर लेके जाना है। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट्स है, और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट अगर नहीं है तो वहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पे आप उस मैटर को लेके जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। तो जो भी पार्टी जिसको उस तरीके से अलग कर दिया गया है विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड, तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की पिटीशन दायर कर सकता है इन फैमिली कोर्ट, और इफ़ देयर इज नो फैमिली कोर्ट देन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके रिगार्डिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो एग्जाम में पूछा जाता रहा है, वो है सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन 1984 का है। तो भारत में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार किसी कानून की देन नहीं है, बल्कि यह विवाह, यह अधिकार विवाह जैसी अवधारणा में अंतर्निहित है। इन इंडिया द राइट ऑफ हाउस, द राइट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव विद ईच अदर इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ एनी लॉ, बट दिस राइट इज इनहेरेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। वेल, क्या हुआ था कि सेक्शन नंबर 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराने के लिए एक वाद ले जाया गया था, तो इस केस में ऐसा कहा गया। सेक्शन नंबर 10 जिसमें क्या है, जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। वेल, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स क्या है। तो जुडिशियल सेपरेशन के वही ग्राउंड्स हैं जो ग्राउंड्स डिवोर्स की हैं, तलाक के हैं। डिवोर्स हम कहाँ पढ़ेंगे, डिवोर्स हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 में पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें वो ग्राउंड्स दे रखे हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को है, एंड पॉइंट नंबर 2 में वो ग्राउंड्स है जो सिर्फ वाइफ को है। तो जुडिशियल सेपरेशन के वही ग्राउंड्स है जो किसको, किसके पास है, किसके लिए है, तलाक के लिए है। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक रूप से पृथक्करण। जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। यहाँ पे आपकी रिलेशन जो है ना वो परमानेंटली खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि टेम्परेरी एक तरीके से सीज हो रहे हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन में कोई भी पार्टी जा सकता है न्यायालय के पास। जब आप जाते हैं डिवोर्स के लिए तो हो सकता है न्यायालय आपको बजाय कि डिवोर्स के जुडिशली सेपरेट कर दे एक बार, कि एक बार आप अलग रह के देखिए। हो सकता है अलग रहने पे आपको रियलाइज हो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो इस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविजन किया गया है सेक्शन नंबर 10 में। कोई भी पार्टी जा सकती है जुडिशियल सेपरेशन के लिए। ग्राउंड्स कौन से हैं, वही सेक्शन नंबर 13 में जो दे रखे हैं। फर्स्ट में कौन से ग्राउंड है, जो दोनों को है, हस्बैंड एंड वाइफ। पॉइंट नंबर 2 में कौन से ग्राउंड है, वो ग्राउंड है जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं नलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 बात करता है वॉइड मैरिज। सेक्शन नंबर 11 में हम पढ़ेंगे वॉइड मैरिज, सेक्शन नंबर 12 में हम पढ़ेंगे वॉइडेबल मैरिज, एंड 13 में पढ़ेंगे हम डिवोर्स। वॉइड मैरिज कौन सी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सेक्शन नंबर 5 में हमने 5 शर्तें पढ़ी थी। अगर आप शर्त नंबर 1 पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या शर्त नंबर 4 पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या शर्त नंबर 5 पूरी नहीं की है, यानी या तो जीवित पति पत्नी है, या सपिंडाज है, या आप प्रोहिबिटेड डिग्री में है, तो उस केस में क्या होगा, आपका विवाह शून्य होगा, वॉइड मैरिज। एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर इस अधिनियम के लागू होने से पहले आपका विवाह हो चुका है तो वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन इस अधिनियम के लागू होने के बाद में आपका विवाह हुआ है और आपने क्या किया है, सेक्शन नंबर 5 की कंडीशन नंबर 1, 4 एंड 5 का ब्रीच किया है। आपकी जो मैरिज है वो कॉन्ट्रावेंशन में है कंडीशन नंबर 1, 4 एंड 5 के, तो उसके इसमें आपकी मैरिज क्या होगी, वॉइड मैरिज कहलाएगी, शून्य विवाह कहलाएगा। शून्य विवाह ध्यान में रहेगा कंडीशन नंबर 1, 4 एंड 5। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में नेक्स्ट है वॉइडेबल मैरिज, जिसे हम बोलते हैं शून्य करणीय विवाह। तो विवाह आपका शून्य करणीय कब होगा, देखिए
ग्राउंड्स क्या है? इम्पोटेंसी, यानी कि नपुंसकता। सेकेंडली फ्री कंसेंट मेंटल डिसऑर्डर। अगर पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं थी, मतलब फ्री कंसेंट देने में वो इनकैपेबल था बिकॉज ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, तो उस बेसिस पे आपका विवाह क्या होगा? वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल होगा, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी थी सेक्शन नंबर 5 के साथ। उसके बाद में अगर कंसेंट आपने ली है कैसे, या तो फोर्स से ली है या आपने फ्रॉड करके ली है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका विवाह वॉइडेबल होगा, यानी आप चाहो तो कोर्ट जाके उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। लास्ट है प्रायर प्रेगनेंसी। अगर शादी के टाइम वाइफ किसी और से अगर प्रेग्नेंट है, तो उस बेसिस पे आप विवाह को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। वो विवाह वॉइड नहीं है, ये आपके ऑप्शन पे है कि आप उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, चाहे तो वैलिड रख सकते हैं। वॉइडेबल है, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल है। ये था अपना सेक्शन नंबर 12, जिसमें हमने वॉइडेबल मैरिज पढ़ी है। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 13, डिवोर्स। तो डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें वो ग्राउंड्स हैं जो अवेलेबल है दोनों को, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। एंड पॉइंट नंबर 2 में वो ग्राउंड्स हैं जो अवेलेबल है ओनली टू वाइफ, ये ग्राउंड्स सिर्फ वाइफ को है। तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कौन से ग्राउंड्स हैं, देखते हैं। एडल्ट्री, यानी कि जारता, दोनों में से कोई भी पक्षकार अगर एडल्ट्री में रह रहा है तो उस बेसिस पे डाइवोर्स लिया जा सकता है। सेकेंडली क्रूएल्टी, विच मीन्स क्रूरता, दोनों पक्षकारों में से कोई भी अगर क्रूरता का आचरण कर रहा है, ऐसा आचरण जो कि इनटॉलरेबल है, तो उसे हम क्रूएल्टी बोलेंगे। बाकी डिपेंड करता है फैक्ट्स पे कि कौन कौन से मामले क्रूएल्टी में आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। अगला है डिजर्सन, यानी कि अतित्याग, वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है कि अगर आपने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया है, आप हिंदू नहीं रहे हैं, तो उस बेसिस पे डिवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अनसाउंड माइंड और मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट है लेप्रोसी, वेंड्रल डिजीज, कोई भी आपको ऐसी डिजीज है जो कि फैल सकती है, जैसे कि HIV हो गया, तो उस बेसिस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं, वो भी डाइवोर्स का ग्राउंड है। नेक्स्ट रिनाउंस द वर्ल्ड, अगर वो साधु संत बन गया है, हिमालय पे चला गया है, संसारिक जो जीवन है उसको त्याग दिया है, तो उस बेसिस पे भी तलाक लिया जा सकता है। एंड द लास्ट ग्राउंड इज मिसिंग फॉर 7 ईयर। आपको पता होगा अगर कोई भी व्यक्ति 7 ईयर तक मिसिंग है, मिसिंग का मतलब है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है, तो उस व्यक्ति की सिविल डेथ मान ली जाती है, तो वो भी डिवोर्स का एक ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड्स दोनों को है, हस्बैंड एंड वाइफ, और ये कुछ ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, वो कौन से है, बाइगमी, द्विविवाह, रेप, सोडोमी और बेस्टिलेटरी। अगर हस्बैंड ने रेप किया है या फिर वो पशु गमन का दोषी है, तो वाइफ उस बेसिस पे तलाक ले सकती है। उसके अलावा नो कोहेबिशन आफ्टर डिक्री और ऑर्डर, सेक्शन 125 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 125 CRPC में आपने मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद भी आपके बीच में रिलेशन अगर नहीं बने हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स फॉर वाइफ ओनली। एंड द लास्ट प्यूबर्टी। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 13, जिसमें हमने डाइवोर्स के ग्राउंड्स देखे हैं। यस, लेप्रोसी जो है वो रिपील हो चुका है, ये मैं आपको बता देती हूँ। लेप्रोसी को रिपील क्यों किया गया, क्योंकि लेप्रोसी पहले इनक्योरेबल डिजीज था, ऐसी डिजीज थी जिसका इलाज उस समय पहले नहीं था। अब क्या है, अब लेप्रोसी का इलाज है जो पॉसिबल हो गया है, तो उस वजह से लेप्रोसी को रिपील कर दिया गया। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा ये बात, सिद्धार्थ जी थैंक यू। बढ़ते हैं आगे, सिर्फ सेक्शन 13 ही नहीं, 13A and B भी आपको ध्यान में रखना है। 13A बात करता है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, कि कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जैसे कि अगर धर्म त्याग दिया है उसको छोड़ दो, अगर संसार त्याग दिया है उसको छोड़ दो, या सिविल डेथ हो चुकी है, इन तीनों को छोड़ के अगर आप किसी और ग्राउंड के बेसिस पे डिवोर्स चाह रहे हैं, तो कोर्ट आपको बजाय डाइवोर्स के जुडिशली सेपरेट कर सकता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे सकता है डिवोर्स के मैटर में, वो क्या है, जुडिशली
सेपरेट करने की, और लगता है जुडिशली सेपरेट होने के बाद भी, क्योंकि कोर्ट देखिए ये कोशिश करता है कि विवाह ना टूटे, मेल मिलाप के प्रयास किए जाए, और जब ये लगता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये साथ रह सके, इन मेल मिलाप हो सके, तब कोर्ट जो है वो डाइवोर्स ग्रांट करता है। नेक्स्ट है 13B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। जब दोनों पार्टीज सम्मति से चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे को नहीं झेल सकते हैं, तो फिर वो म्यूचुअल कंसेंट से 13B में डाइवोर्स लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। फिर कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ। आगे बढ़ते हैं, ये जो स्किन के रिगार्डिंग जो रोग होते हैं, नो पिटीशन फॉर डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। सेक्शन नंबर 14 ये बात करता है कि अगर आप तलाक चाह रही हैं तो कम से कम 1 साल तो साथ में बिताइए ना, ठीक है। 1 साल से पहले पहले आप कोई भी पिटीशन डाइवोर्स के लिए नहीं लाएंगे। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि मान लीजिए अगर एक्सेप्शनल हार्डशिप का मामला है ना, बहुत ही ज़्यादा दुराचारिता का मामला है, तो उस केस में फिर आप 1 ईयर खत्म होने से पहले पहले भी डाइवोर्स पिटीशन ला सकते हैं। बट जनरल रूल क्या है, नो पिटीशन। जनरल मैटर्स में कोई पिटीशन नहीं लाएंगे, लेकिन एक्सेप्शनल हार्डशिप का मैटर है तो उस केस में विद इन 1 ईयर भी आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 14। फिर हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे, जो बात करता है डाइवोर्स पर्संस व्हेन मे मैरी अगेन। बताओ, शादी हो चुकी है, तलाक ले लिया है, अब तलाक लेने के बाद में दोबारा शादी करनी है। देखिए, तलाक लेने के बाद में अगर दोबारा शादी करनी है तो कब कर सकते हैं? सबसे पहली बात, आपकी तलाक की डिक्री फाइनल हो गई है, ठीक है। या तो उसके लिए अपील का प्रोविजन नहीं है, या अपील का प्रोविजन है, अपील का प्रोविजन तो ऑब्वियसली है, अपील का प्रोविजन है तो अपील का टाइम, या तो अपील आपने की नहीं है, या अपील का टाइम निकल चुका है, या अपील का भी डिस्पोज ऑफ हो चुका है, विच मीन्स आपका जो डाइवोर्स पिटीशन का जो फैसला था वो फाइनल हो चुका है, देन यू कैन रीमैरी अगेन विद द सेम पर्सन। तो आप उसी व्यक्ति से जिससे आपने डाइवोर्स लिया है वापस शादी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये हिंदू लोग में तो बहुत आसान सी चीज़ है कि जैसे ही आपका डाइवोर्स फाइनल हुआ है आप शादी कर सकते हैं सेम व्यक्ति से जिससे आपने पहले शादी की थी। लेकिन मुस्लिम लॉ की बात करें ना हम, तो वहाँ पे बहुत समस्या है, वहाँ पे इतना इजी नहीं है कि एक बार जिससे आपने तलाक ले लिया है उससे दोबारा शादी करना, क्योंकि एक बार आपने तलाक ले लिया है तो उसके बाद में आपको किसी और से शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद में इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ेगा दोनों को, एंड देन यू कैन रीमैरी। तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ हिंदू लॉ में ईजी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 16 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन। हमने देखा है मैरिज वैलिड भी हो सकती है, वॉइड भी हो सकती है, वॉइडेबल हो सकती है। जहां पे वैलिड है वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है? अगर आपकी मैरिज है वॉइड या वॉइडेबल, तो उस केस में चिल्ड्रन का क्या स्टेटस है? क्या वो लेजिटिमेट कहलाएंगे या इनलेजिटिमेट, जिसे हम बोलते हैं ओरस या जायज, धर्मज। तो मैरिज चाहे आपकी वॉइड है या वॉइडेबल है, बच्चे जो होंगे वो ऑलवेज लेजिटिमेट कहलाएंगे, क्लियर। बच्चे चाहे मैरिज कैसे भी हो, डजेंट मैटर, वॉइडेबल हो या वॉइड हो, बच्चे कैसे कहलाएंगे? लेजिटिमेट ही कहलाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि उनको अपनी जो पेरेंट है, पेरेंट्स जो है उनकी प्रॉपर्टी में ही उनके राइट्स होंगे। जो प्रॉपर्टीज उनको इनहेरेंट में मिल सकती थी अपने दादाजी से, उन सब से, उनके रिगार्डिंग उनके राइट्स नहीं होंगे, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट जरूर होंगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 17, पनिशमेंट ऑफ बायगमी। हमने सेक्शन नंबर 5 में कंडीशन नंबर 1 देखी थी ना, जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए एक शादी के होते हुए आपने दूसरा विवाह कर लिया है, तो पनिशमेंट कहाँ पे दे रखी है? IPC 494 एंड 495। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अगर बायगमी है तो उस केस में क्या होगा? योर सेकेंड मैरिज इज वॉइड। ऑलवेज रिमेंबर, सेकेंड मैरिज इज वॉइड, फर्स्ट मैरिज इज परफेक्टली वैलिड, उसकी वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 494, 495, IPC जहां पे बताया हुआ है पनिशमेंट, वो मिलेगी बायगमी यानी द्विविवाह के लिए। बढ़ते हैं आगे, उसके बाद में हम आते हैं सेक्शन नंबर 18, पनिशमेंट फॉर कन्वर्जन।
कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज. हिंदू मैरिज की जो शर्तें थी, अगर आपने उनका पालन नहीं किया है, उनके कॉन्ट्रावेंशन में किया है, तो उसके लिए शर्त क्या पनिशमेंट है, वो सेक्शन नंबर 18 में बताई गई है. देखिए, अगर आपने क्लोज नंबर 3 का पालन नहीं किया है, उसका मतलब क्या है? क्लोज नंबर 3 में क्या थी? एज, शादी की उम्र. अगर आप शादी की जो निर्धारित उम्र है उससे कम उम्र में शादी की जाती है, तो मैरिज, बता चुकी हूं मैं, क्या होगी? वैलिड. लेकिन पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या है कि धर्म लिखेगा रिग्रेस, है ना, कठोर है, सादा नहीं है. रिग्रेस इंप्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 lakh rupees और विद बोथ. 2 साल तक का कठोर कारावास या जुर्माना जो 1 lakh rupees तक का हो सकेगा, या दोनों. ये पनिशमेंट है किसके लिए? जिन्होंने शादी के लिए निर्धारित उम्र से पहले शादी की है. फिर हम बात करते हैं कि अगर आपने कंडीशन नंबर 4 and 5 इन दोनों में से किसी को भी ब्रीच किया है, तो उस केस में आपके लिए पनिशमेंट क्या है? सिंपल इंप्रिजनमेंट. ध्यान रखिएगा, अगर विवाह के लिए जो निर्धारित एज है उससे कम में की है, तो फिर क्या है? 2 years, वो भी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट. और कंडीशन नंबर 4 and 5 को ब्रीच किया, तो उस केस में क्या है? उस केस में सिंपल इंप्रिजनमेंट, वो भी कितना है? विच में एक्सटेंड टू 1 month, जो 1 महीने तक का हो सकता है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 rupees, या जुर्माना जो 1000 rupees तक का हो सकता है, या फिर दोनों. ये पनिशमेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है. उसके बाद में अब हम आते हैं जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर. जुरिस्डिक्शन किसके लिए? डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन के लिए कर रहे हैं, कॉन्जुगल राइट्स के लिए कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं, या कस्टडी के लिए कर रहे हैं, किसी को भी लेके कर रहे हैं, तो कौन से कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन नंबर 19 में. तो कोई भी पिटीशन कहाँ पे फाइल करेंगे? सबसे पहले बात बता चुकी हूँ, फैमिली कोर्ट. फैमिली कोर्ट नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है. तो जहाँ पे शादी हुई थी वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रह रहा है वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे पार्टीज जो है, मैरिज की जो पार्टीज है, उन्होंने लास्ट में साथ में जो रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं. या इन द केस अगर वाइफ पिटिशनर है, तो जहाँ पे वो एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन वो रह रही है, तो वहाँ पर भी जो है पिटीशन लाई जा सकती है. तो ये बताए गए हैं सेक्शन नंबर 19 में. फिर 20th बात करता है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटीशंस, कि जहाँ पे आप कोई भी पिटीशन ला रहे हैं, तो उसमें वो सारे ग्राउंड्स होंगे जो रिलीफ, जिनके बेसिस पे आप रिलीफ चाह रहे हैं, प्लस जो भी ग्राउंड्स है, जो भी पॉइंट्स है, जो भी फैक्ट्स है, वो वेरीफाइड होनी चाहिए, सत्यापन उनका होना चाहिए. ये सेक्शन नंबर 20th में बताया गया है. उसके बाद में आते हैं सेक्शन नंबर 21, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908. कौन सा है? सीपीसी. तो हिंदू मैरिज के रिगार्डिंग कोई प्रोसीडिंग अगर चल रही है, तो वहां पे सीपीसी की जो प्रोविजंस है, रूल्स है, सेक्शंस है, लॉ है, वो एप्लीकेबल होंगे. 21A बात कर रहा है पावर टू ट्रांसफर पिटीशंस इन सर्टेन केसेस. 21A बात कर रहा है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आपकी एप्लीकेशन जो है, पिटीशन जो है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं 21B, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रायल एंड डिस्पोजल ऑफ पिटीशंस अंडर द एक्ट. वेल, यहां से प्री में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो भी पिटीशन है उसको रेगुलर सुना जाएगा जहां तक पॉसिबल हो, और एडजमेंट नहीं दिया जाएगा. एडजमेंट कब दिया जाएगा? जब बियॉन्ड कंट्रोल कुछ रीजन ऐसे हैं, तब दिया जाएगा. और पिटीशन जो है उसको 6 months में, ध्यान में रखिएगा, 6 months, वो भी कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस टू द पिटीशन ऑफ द रेस्पोंडेंट. रेस्पोंडेंट पे आप तामील कर रहे हैं, वहां से विद इन 6 months पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई किया जाएगा, ठीक है. और दूसरा प्रोविजन किसके रिगार्डिंग है? अपील. यहां से प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं. अपील की जहां पे हम बात कर रहे हैं, तो अपील विद इन 3 months, अपील का डिस्पोज ऑफ किया जाएगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन द रिस्पोंडेंट. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. उसके बाद में हम 21C भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं. 22 में हम बात कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स टू बी इन कैमरा एंड मे नॉट प्रिंटेड और पब्लिश्ड.
जो भी फैमिली मैटर्स है, क्योंकि ये पारिवारिक मामले हैं, तो इनकी कैमरा ट्रायल होगी। कैमरा ट्रायल का मतलब ये होता है कि न्यायालय खुला नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आके नहीं बैठ सकता है, ठीक है। और जो भी जजमेंट्स वगैरह हैं तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से ही वो पब्लिश किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। डिक्रीज इन प्रोसीडिंग्स। फिर 21A, रिलीफ फॉर रिस्पॉन्डेंट इन डिवोर्स एंड द अदर प्रोसीडिंग्स। कि मान लीजिए कोई मामला है एडल्ट्री का, या एडल्ट्री का है, ठीक है, या फिर क्रुएल्टी का है, तो रिस्पॉन्डेंट जो है यानी कि प्रतिवादी जो है वो भी उन मामलों में काउंटर क्लेम कर सकता है कि मैं नहीं बल्कि ये व्यक्ति दोषी है, और वो उसको भी उसी तरीके से रिलीफ मिल सकता है जैसे कि वो क्या हो, पिटीशनर हो। तो कुछ रिलीफ दे रखी है सेक्शन नंबर 23A में, किसके लिए, रिस्पॉन्डेंट के लिए। 24 में हम बात करते हैं मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स। ये जो मामला चल रहा है उसके रिगार्डिंग क्या चाहिए आपको, मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस चाहिए। 25 में परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। परमानेंट एलिमनी ये एक साथ हो सकती है कि एक साथ 20 करोड़ रुपए दिलाए जाए, या फिर हो सकती है मंथली, वो कोई भी पार्टी को दिलाया जा सकता है बाय द कोर्ट। इसके लिए क्या देखा जाएगा, दोनों पार्टियों का सोर्स ऑफ इनकम, उनका क्या स्टेटस है इन सोसाइटी और क्या उनकी कैपेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें देखते हुए वो दिलाया जाएगा। उसके बाद में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है उनकी कस्टडी किसको मिलेगी वो भी डिसाइड किया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी उनको शादी के टाइम मिली है, जो उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, उनका डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाएगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा अंडर सेक्शन नंबर 27। देन सेक्शन नंबर 28, अपील्स फ्रॉम डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। अपील्स की बात 28 में है, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। देखो सबसे पहली बात, खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई भी अपील नहीं होगी। इसके अलावा जहां कहीं पर भी अपील हो रही है तो उसको डिस्पोज ऑफ किया, मतलब अपील की जाएगी विद इन 90 डेज। अगर आपको अपील करनी है तो अपील की जाएगी विद इन 90 डेज। लास्ट है, लास्ट नहीं सॉरी नेक्स्ट 28A, एनफोर्समेंट एंड डिक्रीज इन ऑर्डर्स। जो भी डिक्रीज इन ऑर्डर है उनको प्रवर्तन किया जाएगा भारत में। 29, सेविंग्स एंड लास्ट सेक्शन है रिपील्स। तो इसी के साथ हमारा हिंदू लोग को हमने थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से समझने की कोशिश की है, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है वो लिए हैं। कल भी हमारी इसी टाइम पे क्लास होगी 3:30 पे, जिसमें हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं इस टाइम पे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और कल वापस मिलते हैं इसी टाइम पे। थैंक यू।